तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं लेके आया हूँ अपनी कावासाकी निंजा 300 के लिए। ये देखिए, ये है डबल बबल विंडशील्ड। तो फिलहाल अभी इस पे जो कंपनी की तरफ से आती है विंडशील्ड वही लगी हुई है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं और इससे लुक भी काफ़ी अच्छी चेंज हो जाएगी इसकी, ये देखिए। तो फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए इसकी लुक, फ्रंट वाली जो स्टॉक विंडशील्ड है इसके साथ। तो अभी हम लगाएंगे ये वाली, तो अभी हम लगाएंगे ये वाली विंडशील्ड, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, पहले इस चार नंबर एलकी से ये जो इसके चारों बोल्ट हैं, हम इसको खोल के स्टॉक विंडशील्ड हटाएंगे इसको, तो फिर लगाएंगे अपनी जो डबल बबल विंड शील्ड है वो वाली। विंडशील्ड हमारी इंस्टॉल हो गई है, इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है स्टॉक विंडशील्ड से। एक तो ये ब्लैक है, तो इसे फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसका बेनिफिट ये है, जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है विंड ब्लास्ट, क्योंकि हवा आपकी इससे ऊपर से निकल जाती है इसके कारण। कैसी लगी विंडशील्ड आपको, प्लीज़ वीडियो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके लिए मैंने इसके फेयरिंग गार्ड्स है वो भी मंगवा लिए हैं, तो इंस्टॉल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी मैं फ्रेम स्लाइडर्स की वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।